एक दिन भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में आंगन में खेल रहे थे। बाल रूपम श्री कृष्णम, मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को भोजन करा रही थी। कटोरी में खीर लिए बालक रूप में भगवान खेलते खेलते दौड़कर आते, एक ग्रास लेकर फिर चले जाते, खेलने लगते। बड़ा प्यार से यशोदा मैया बार बार बुलाती, लल्ला ले लो, एक ग्रास और ले लो। बड़ी निवेदन के बाद भगवान श्री कृष्ण आते, एक ग्रास लेते, फिर खेल में मस्त हो जाते। पूर्णिमा की सायंकाल की बेला थी। अचानक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान आकाश की ओर गया। आकाश में चंद्रमा पूर्ण काम रूप में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मां से पूछा, मां ये क्या है? मैया बोली, लल्ला ये चंदा मामा है। अरे ये तो बड़े प्यारे हैं, मुझे अभी चाहिए, मुझे लाके दो चंदा मामा। ये सुधा मैया कह रही है, अरे लल्ला वो तो बहुत दूर है। अरे दूर है तो क्या हुआ, लाके दो मुझे। अच्छा ठीक है, आज खा ले, कल मैं ला दूंगी। नहीं मुझे अभी चाहिए, जब तक चंदा मामा लाकर नहीं दोगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। बालहट भगवान श्री कृष्ण जिद पर अड़ गए कि मुझे जब तक चंदा मामा लाकर नहीं दोगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। मैया परेशान कहती, अच्छा ठीक है तू एक ग्रास ले ले, मैं अभी चंदा मामा को बुलाती हूँ, वो चले आएंगे। मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को खिलाने के लिए कैसे चंदा मामा को बुला रही है। चंदा मामा यारे आओ, पारे आओ नदिया, किनारे आओ हो ये चंदा, ये चंदा उतर न हमारे अंगनवा, बालक मोरा खेली है वो, ए चंदा उतर न हमारे अंगनवा, बालक मोरा खेली है वो। भगवान श्री कृष्ण वहीं हट कर बैठे हुए हैं। नहीं मुझे चंदा मामा अभी चाहिए, तो अभी मैं उनके साथ खेलूंगा। मैया यशोदा को एक युक्ति सूझी, थाली में जल भर कर लाई, आगे में रख दिया। कुछ ही क्षण में जब जल शांत हो गया, उसमें चंदा मामा अस्पष्ट दिखाई देने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण बड़ा खुश हुए, चंदा मामा हमारे आंगन में आ गया, अब तो मैं इनके साथ खेलूंगा। भगवान श्री कृष्ण खेलने के लिए जैसे ही जल में चंदा मामा को पकड़ने के लिए हाथ डाले, जल हिल गया और चंदा मामा उससे गायब हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने रुदन ठान लिया, रोने लगे, चंदा मामा कहाँ चले गए।